जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने वीवी और ईवीएम के वोट क्रॉस वेरिफिकेशन की हियरिंग को लंच टाइम तक के लिए कवर किया था इस पीरियड में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण गोपाल शंकर नारायण ने काफी अच्छे पॉइंट्स रेस किए थे और सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ए को भी काफी ग्रिल करते हुए उनसे कई सवाल पूछे थे हियरिंग ने एक काफी इंटरेस्टिंग मोड ले लिया था जब सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को एक रिपोर्ट के बारे में बताया था जिसने ये क्लेम किया था केरला के, के कासरगोर कॉन्स्टिटुएंसी में हुए मॉक पोल्स में बीजेपी को ज्यादा वोट्स मिले थे और वो भी ईवीएम के थ्रू जिससे ये साफ है कि ईवीएम में गलतियां हैं ये बात सुनकर तो सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी चौक गई थी और ए की ओर से मौजूद एडवोकेट मनिन्दर सिंह को इस बारे में जाकर एक जवाब लाने को बोला था और लंच के बाद सीनियर एडवोकेट मनिन्दर सिंह इस मामले में एक जवाब लेकर मौजूद थे पोस्ट लंच तो लंचिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट किए हैं और यहाँ तक की जस्टिस संजीव खन्ना ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को फटकार भी दिया है जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एक अहम कदम उठा भी लिया तो बात करते हैं लंच की हियरिंग के बाद की जब सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने तहलका मचा दिया जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया की सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा उठाई रिपोर्ट साफ गलत है

दिस इंडिकेट्स इवन द पार्लियामेंट्री कमेटी लैक्स अवेयरनेस हालांकि सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने वापस से सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए कहा योर लॉर्ड शिप्स आर इवेलुएंगी दोटर टर्नआउटेड दिस इजेंट रिलेटेड टू ईवीएम लेकिन सुप्रीम कोर्ट बेंच इस केस में ए सी आई के समिशन ऐसी खुश नहीं दिखी और जस्टिस दत्ता ने तो सवाल करते हुए पूछ लिया इफ इट कॉजेस ट्रबल वाई परसिस्ट विद इट जिसका जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा द इलेक्शन कमीशन बिगिंस प्रिपरेशन फॉर जनरल इलेक्शन वेल इन एडवांस पिटिशनर्स ऑफ अप्रोच क्लोज टू इलेक्शन हालांकि जस्टिस खन्ना के मन में भी यही सवाल था तो उन्होंने भी पूछ लिया

Address the stained glass accusation. You have consistently claimed it's unchanged. But where's the confirmation in the affidavit? हालांकि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के इस रिपीटेड सुझाव से जस्टिस खन्ना तंग आ गए और फटकारते हुए कह दिया मिस्टर भूषण वेदर इट इज ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट ग्लास ऑनवी पी एटी मशीन और बल्ब इज देर यू आर टेकिंग इट टू फार नाउ एवरीथिंग यू नॉट बी क्रिटिकल ऑफ एवरीथिंग इफ एन एक्सप्लेनेशन इज गिवे यू मस्ट अप्रिशिएट मिस्टर भूषण देर नीड नॉट बी एनी एक्सप्लेनेशन इफ सम इम्प्रूवमेंट इज ब्रॉड इट इज लॉफुल वेदर टू हैव बल्ब और नॉट और ब्राइटनेस एक्सेट्राइज फॉर टू डिसाइड की सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को सपोर्ट करते हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने कहा दिस पर्टीन टू फंडामेंटल वी आर नॉट अक्यूजिंग एनी वन द कम्प्लेन सबमिटेड दिस मॉर्निंग इज फ्रॉम द इलेक्शन एजेंट यहाँ पर सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पिटिस्टर्स को खूब फटकारा है और कह भी दिया कि ऐसे फेक आर्टिकल्स तो इलेक्शंस के समय बहुत ही कॉमन हो जाते हैं अनस्टीटेड

बट दिस इज नॉट फाइल्ड इन द एनुअल ऑफ इलेक्शन और वही जस्टिस खन्ना ने भी एस जी को समझाते हुए कहा पीपल हैव द फ्रीडम टू पोस्ट देयर ओपिनियंस ऑन सोशल मीडिया एंड दे कैन डू इट यहाँ पर पिटिशनर्स की ओर से मौजूद होकर एडवोकेट स्टीफन ने कहा दीवी पी एटी एंड एवी काउंट शुड हैपन

And there are reasons for the doubt. We have said what all has been put up on site since 2019. There is a huge discrepancy which cannot be explained by 17a and 17c. When it is not put out in public domain, we know the total number of votes polled. So the total votes polled cannot exceed that. But it is just one incident. और इसी में ऐड करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने भी कहा नेगेटिव न्यूज गेट मोर पब्लिसिटी लेकिन हार नहीं मानते हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने वापस से कहा अ डिस्क्रिपेंसी इज एंड ह्यूमन एरर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सीनियर एडवोकेट सिंह ऐसी सवाल करते हुए पूछा सो मिस्टर सिंह वी टेक दैट ओनली वन इंसिडेंट एंड नो मोर जिसका जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा गेस ओनली वन वीवीपीएटी स्लिप्स विद ईवीएम मैच्ड इन ऑल केसेस हालांकि सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने वापस से बोला

इसके बावजूद भी सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अपनी बात रखते हुए स्टेट किया इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू मेक आउट वेदर अ मलिशियस प्रोग्राम नॉट।

स हियरिंग थोड़ी और इंटेंस भी हो गयी जब एक लॉयर ने पॉइंट आउट कर दिया ये कहते हुए की बांग्लादेश की वोटिंग प्रोसेस अच्छी है इस पॉइंट आरोप सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा आवर सिस्टम इज वर्किंग यू नो एंड वी नो वॉट है इसमें ऐड करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने भी कहा, कंट्रीज आर well. well. ये सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले में अपना फैसला रिजर्व कर लिया है और वो भी वोटिंग शुरू होने के ठीक एक दिन पहले तो ऐसे में देखते हैं कि ये फैसला लोगों के सामने कब आता है चिल्डे की फॉलोइंग लॉ चक्रा